बिस्मिल्कमर ख़ाति में उख्तर अब्बास और आप सबको मेरा ढेरों सलाम पहुँचे इस दफ़ा इंडिया से बहुत पैगाम है बहुत से तो रिश्तों के बारे में है कि क्या आप हमारे भी रिश्ते करवाएंगे बिल्कुल नहीं इंडिया वालों को खुद ही ये नेमत और ये काम संभालना पड़ेगा मुमकिन नहीं होगा और पॉसिबल भी नहीं होगा दूसरा इस दवा जो बहुत मज़े का है शनाया सिंघानिया का है और उन्होंने कहा कि मुझ पर खुदा की खास रहमत है कि जिस घर में मैं ब्याह के गई हूँ वो बहुत अच्छे हैं ना तो उन्होंने जहेज मांगा ना ताने दिए और शायद मेरी किसी खूबी की वजह से लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ख़ूबी से ज़्यादा रब ने मुझ पे करम किया है मेरे वालदेन पे करम किया है और मैं इस घर में बहुत आसूदा हूँ शनाया बेटा मैं तो दुआ करता हूँ कि ये जुमले जो आपने कहे लिटरली सोने के पानी से लिखे हुए हैं पूरी मोहब्बत है आपका पूरा अपनापन उनके अंदर है हमारी सारी बच्चियों को ये मौका मिला करे कि शादियों के बाद वो अपने दोस्तों को अपने इस को अपने प्यारों को ये बता सकें कि जिस घर में मैं गई हूँ ये बहुत ही शानदार और बैलेंस्ड लोग हैं देखें शैतान और रहमान हमेशा ये एक रहा है ज़िंदगी में पर इंसानों में तो हमको बहुत उम्दा होना चाहिए जिस खानदान में माँ हो जिस खानदान में बाप हो भाई हों बहने हों और आपको लाड से लेके आए हो, तो फिर उनको तो आपका लाड उठाने चाहिए लाज बढ़ानी चाहिए रखनी चाहिए ना ये कि वो अजाब देने वाले बन जाए, दुआ करते हैं बाकी सबको ये इज़्ज़त और वक्त अपने घरों में मिले रहमान ने कहा है सर मेरी शादी को दो साल हो गए हैं और आपने जो पांच बातें बताई थी नई शादी और नई जॉब के हवाले से मैं उसमें से दो गलतियां कर चुकी हूँ आपकी बातें सुन के मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है अब मैं क्या करूँ मेरा वादा है अपने आप से कि मैं मज़ीद गलतियाँ नहीं करूँगी इकरा बेटा जी अगर तो वो कहीं कुछ प्रोग्राम होता तो मैं फिर कहता या आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है पर अभी ज़िंदगी है ज़िंदगी में गलतियाँ सुधारने की उनको बेहतर करने की दोबारा गलतियाँ करने की भी गुंजाइश होती है पर मुझे लगता है कि अगर हमारा दिल साफ हो नीयत बहुत अच्छी हो और रब हम पे मेहरबान हो तो हम फिर गलतियाँ नहीं करते हम उन कमियों को कमजोरियों को जो लोगों ने की होती हैं हमको नज़र आ रही होती हैं तो इंसान उस गलती से बच जाता है नुमाना आमिर ने कहा कि सर बाज़ात इंसान की एफिशिएंसी भी प्रॉब्लम करती है उसकी खूबियाँ ही खामियाँ बन जाती हैं लोग बर्दाश्त नहीं करते बेटा ना ये ना कहिएगा एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज़ गुड खूबी इज़ ऑलवेज़ क्रेडिबल आपका वास्ता कम जरफ़ और कमीने लोगों से पड़ जाए तो अपनी चीज़ों को डिसोन नहीं करना वो घटिया सोच है उनकी उनका अमल कमतर है पर आपकी चीज़ से वो जेलस हो के आपको खींच के अपने बराबर यानी अल्लाह माफ़ करे जो लोग शराब पीने लग जाएं शराबी बन जाते हैं ये जब शराब पीने का वक्त आए तो जो ना पिए उसकी इतनी मिन्नतें करते हैं तरले करते हैं रोते हैं पाँव को हाथ लगाते हैं तुम एक घूंट पी लो एक सिप ले लो एक जाम बस रख लो अपने पास वो जो एहसास होता है कि ये हमसे बेहतर है उसको अपने बराबर पे ला के छोड़ना होता है और ये एक नहीं करता ये पूरी कम्युनिटी वो करती है जहाँ जहाँ ये बैठते हैं अपनी महफिलों में उस बेचारे को अपने जैसा करके छोड़ते हैं तो ये वाला जो मामला है आप अगर अच्छे हो खूबियों में नेमतों में खूबसूरती में डीलिंग में अच्छी सोच में तो इन लोगों की वजह से वो तो आपकी जिठानी भी हो सकती है देवरानी हो सकती है नंद हो सकती है नंदोइया हो सकता है कोई भी रिश्ते वाले छोटे दिल का हो सकता है और वो आपको यानी ऐसे शिकार करके लाते हैं और उस जाल में फंसा देते हैं कि जो इंसानी नियमतों से खूबियों से महरूम होता है और वहाँ आके बंदा पे फड़फड़ाता है और बिलाकर बेवुकत होकर मारा जाता है तो इस पर ना आइएगा लेकिन अब आज का जो सवाल है बहुत ही खौफनाक है ये सवाल ईशा इस्माइल ने किया है और सच कहूँ तो मैंने इस जैसा सवाल पहले नहीं देखा इस सवाल में कितनी हसरत है कितना दुख है कितनी तकलीफ है कितनी आरजू है वो बच्ची सोचती होगी ना काश ऐसे ये सवाल ना करना पड़ता सवाल उसने ये किया है सर मुझे आपसे औकात के बारे में पूछना है प्लीज इस पर बात कीजिएगा मेरे शौहर अक्सर मुझसे कहते हैं कि तेरी औकात क्या है ज़रा मुझे बताइए मेरी औकात कैसे तयन होगा मैंने एम फिल किया हुआ है मेरा सारा ख़ानदान टीचिंग से है मेरे बाप एक स्कूल के मालिक हैं मेरे मामू फ़ौज में हैं मेरे चाचा लोग ज़िम्मेदार हैं माली हालत भी उनकी अच्छी है मैं दिखने में भी बहुत खूबसूरत हूँ मैं बोलने में भी बहुत अच्छी हूँ पर मेरी औकात क्या है इससे पहले जब जब मैं पढ़ती थी जब जब मैं दोस्तों में होती थी सब लोग मुझे पसंद करते थे सब लोग पजीराई देते थे क्या मेरी वो औकात थी या अब जब मैं इनकी निगाहों से गिरती हूँ ये अपने लफ्ज़ों से मुझे ज़ख्मी करते हैं ज़ख्म जख्म मेरा मेरी रूह तक ज़ख्मी हो जाती है या ये मेरी औकात है बेटा जी काश ये सवाल मैंने ना सुना होता काश ये सवाल मैंने ना पढ़ा होता इस सवाल में एक कमजरफ़ी है इस सवाल में एक छोटा जहन है इस सवाल में एक महरूम आदमी है बेशक आपका मियाँ है मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है पर उसकी ज़िंदगी की जो हसरतें हैं जब जब या तो आप उससे खूबसूरत ज़्यादा हैं या आप उससे कुछ ख़ूबियों में ज़्यादा उम्दा हैं आपकी डीलिंग अच्छी हो सकती है आपका ख़ानदान उसको नज़र आता है कि उसके बाकी लोगों के लिए पढ़ा लिखा ज़्यादा है सोशल uh, नॉर्म्स में ज़्यादा अच्छा है डीलिंग में ज़्यादा अच्छा है पहनावे में ज़्यादा अच्छा है कहीं बैठते होंगे आपके वालद की वालदा की या बाकी लोगों की इज़्ज़त इकराम चार बंदे उसकी तारीफ कर देते होंगे तो ऐसे में दो तीन चीज़ें होती हैं अगर इंसान खुद छोटा हो तो उसका मन होता है कि दूसरों की भी टांगें काट दी जाएं। ये अब हमारी किस्मत में आ गया अगर आप इसको बदुवा दोगे तो आप सोचो कि आप फिर बेवा कहलाओगे आप इसको बदुवा दोगे ये ज़ख़्मी हुआ इसको कुछ सजा मिल गई इस नामरात की ज़िंदगी में से जिसम में से कुछ मसला हो गया फिर भी आप भुगतोगे पर आप ऐसे में उसको सर्व करोगे शायद आप उन लोगों में से हो जो, जो हमारी अक्सरियत बचियाँ हैं अल्लाह हमारी बेटियों सबसे राज़ी रहे ये बीमारी के दिनों में ये दुख के दिनों में ये ज़िंदगी के यानी मुश्किल तरीन लम्हों में अपनी मियों के साथ खड़ी होती हैं और उस हालत में जब उनके अपने घर वाले भी छोड़ जाते हैं ये इनका दिल होता है ये इनका ईमान होता है ये इनकी दुनिया और आखत दोनों से जुड़ी होती है औकात का इससे थोड़ी पता चलता है कि वो आपको बताए कि तुम्हारी औकात क्या है आपकी औकात तो सरब ने तय की उसने लोगों की आंखों में आपके लिए पसीराई रखी उसने आपको को माई नहीं बनाया को काम करने वाली नहीं बनाया माली तौर पर एक मजबूर और मकरूज नहीं बनाया आपको यूनिवर्सिटी पहुंचाया मास्टर्स कराया एम कराया वहाँ भी तो कितने लोगों की निगाह में आपकी इज्जत होगी आपको कपड़े भी पहनने आते होंगे आपको अच्छे कपड़े लेने भी आते होंगे आपको दोस्त बनाने भी आते होंगे आपको लोगों का दिल रखना और उन पर ख़र्च करना भी आता होगा पर इस सब के बीच में जो मुझे लगता है कि आपका अपने रक़ से भी ताल्लुक़ बहुत अच्छा होगा आप उसके बंदों पे खर्च भी करते होंगे आप अपने लफ्ज़ों को भी ज़ाया नहीं करते होंगे अब इतनी सारी नियमतें हों इतनी सारी खूबियाँ हों तो अब किसी म का दिल भी ना जले और जल के वो जो दिल के पफोले होते हैं इसे एक लफ्ज में वो वाले हैं उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा तो आपसे वो कहता है ये कहने से आपकी औकात ना तो मुतन होगी न कमतर होगी इंसानों के बस में होता तो हम सारे जहनम में होते ये हमको जिंदा जला के मार देते ये हमारी खुशियाँ हमसे छीन लेते ये हमारे लुक में गिनते ये हमारे घूट पानी के वो भी गिनते और हमें गिन गिन के पीने देते पर मेरे रब ने ये मेहरबानी हम सब पे की है और बचियों तौर पे, पे कि आपका रिस्क अपने पास रखा आपकी इज़्ज़त अपने पास रखी आपकी वक्त अपने पास रखी हाँ कभी कभी इन लोगों को आपके लिए आजमाइश बना देता है इन दुख भरे जुमलों पे फिर सब्र इंसान करता है उस पर भी अजर मिलता है मैं तो कभी कभी सोचता हूँ उसके अंदर का जो कॉम्प्लेक्स है उसको मारता है आपको जिंदा करता है जब जब कभी ऐसा वो कहे उस मौक़े पर रोने मत बैठ जाइए अंदर से अपने दिल के तार अल्लाह से जोड़िए और पूछिए कि सर यहाँ आपने मुझे हमेशा वक्त में रखा मेरी औकात ठीक रखी यहाँ जो बाकी दिन वो भी गुजर जाएंगे पर अपने यहाँ मुझे बेवक़त मत कीजिएगा वहाँ आपकी औकात वहाँ आपका जो ताल्लुक़ है वहाँ जो आपको जब एजाज़ मिले और इकराम मिले तो कितने लोग उस जैसे हों जो हसरत से आपकी तरफ़ देखें कि हाँ मैं तो सोचता था कि इसकी औकात कम है कमतर है औकात का ताल्लुक रंग से थोड़ी होता है औकात का ताल्लुक कद से भी नहीं होता औकात का ताल्लुक आपकी कॉम्प्लेक्शन से भी नहीं होता औकात का ताल्लुक सिर्फ एक बात से होता है वो चाहे तो आपको ज़मीन से उठाए और आसमान पे ले जाए वो चाहे तो आपका मुकाम और मर्तबा सब लोगों के अल रगम उनके ना चाहते हुए भी वो आपको इज़्ज़त दिला दे वो आपको मर्तबा दिला दे वो वक्त दिला दे अल्लाह की वक्त क्या है आपका दिल इतमान से भर जाता है अल्लाह की वक्त क्या है आपके दिल में आपकी आँखों में आपके जिस्म के एक एक जुज में और एक एक उज् में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है आप बहुत सारी चीज़ों से बेनियाज हो जाते हो आप रोने पे आओ एक एक बात पे रोगे उसके लहजे पे, उसके टोन पे, उसके जुमलों पे, और आप अंदर से हंस भी सकते हो ये सोच के कि सर कैसा बंदा दिया है आपने मुझे इतनी बड़ी औकात दी है ये कहता है मेरी औकात ही कोई नहीं है तो या तो इसको दिखा दें या इसको बता दें या इसकी असलाह कर दें चूँकि जब ये कहता है कि मेरी औकात नहीं है तो इनफेक्ट वो अपनी औकात का इज़हार कर रहा होता है और ये इज़हार बिल्कुल अच्छा नहीं है रिकॉर्डेड हो जाए और मुंह पे मारा जाए अल्लाह माफ़ करे अल्लाह के रसुल ने दुआ बताई थी और वो क्या खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह जब मैं तेरे सामने पेश हूँ और सारी मेरी ज़िंदगी के जो अमाल हैं वो कहीं मेरे मुंह पे ना दे मारिएगा तब पता चलेगा ओकात क्या है कुछ भी नहीं होगी उस वक्त तो औकात बेहतर भी नहीं हो सकेगी सो so, जिन लोगों ने कभी कहा नहीं है पर उनके कहीं दिल में खोट होता है एंड दे दैट डिज़ायर के किसी मौके पर अपने दोस्त को कह दें अपने कोलीग को कह दें अपनी बीवी को कह दें कि तेरी औकात क्या है याद रखिएगा ये जुमला कहने के बाद फिर आपकी ज़मीन आपके पाँव के नीचे नहीं रहेगी आपके सर पे आसमान की छत भी नहीं रहेगी आप एक महरूम नाकारा और रिजेक्टेड आदमी हो गए कि जो रब की दी हुई सारी नीमतों और सारे शानदार चीज़ों में से उससे महरूम हो गए हो जो अल्लाह तय करता है इंसान थोड़ी तय करता है आपने तय किए होते तो आप तो सबको जान से मार देते तो ऐ प्यारी बच्ची तो जी सलामत रहे तो खुश रहे इस जिंदगी को इस नामाकुल आदमी को बदवा ना देना उसके लिए दुआ करना कि अल्लाह उसका दिल फेर दे अब के लिए क्या मामला है ऐसे है उसके हाथ में ऐसे फेर देता है और इंसान डाकू से वली बन जाता है इंसान बदजुबान से एक शानदार मीठी जुबान वाला बन जाता है अल्लाह करे अब कभी बन जाए हमारा इसमें कोई नुकसान तो नहीं है मैंने उसको देखा नहीं है जानता नहीं हूँ पूरे मैं पूरे में दिल से आरज़ू करता हूँ कि अल्लाह उस बदनसीब को यह बात दोबारा कहने वाला ना बनाना इस बच्ची को जितना दुख पहुँचता है और जितना वो जलती और कुरती है इसके नसीब में से इसको वापस ले ले और इसे इसे अच्छे लफ्ज़ इसे मीठी ज़िंदगी और मीठा प्यार इसके लिए ज़्यादा अता कर दे अच्छा वो सारी बच्चियाँ जिन्हें इस तरह के कमज़रफ़ या छोटे दिल वाले लोगों से या अजीज़ों से कभी वास्ता पड़ जाए ये आपका मियाम भी हो सकता है सास ससुर देवर जेठ सारे हो सकते हैं कोई भी इनमें से हो सकता है तो उस मौके पर हमेशा आंखें बंद किया करें मुस्कराया करें और अपने दिल को तारों को हल्का सा छेड़ा करें और उसमें से आवाज़ आनी चाहिए हसब अल्लाह व नमल वकील व मौला व नीम नसीर अल्लाह जिसका वकील बन जाए अल्लाह जिसके लिए काफ़ी हो जाए उसे ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए वो सामने हो जाए वो पीछे हो जाए वो दाएं हो जाए तो आपकी औकात इतनी बड़ी है कि त्रालु के जिस पलड़े में आप हो गए दूसरे पलड़े में पूरी दुनिया बैठी हो अपनी औकात के साथ आपकी औकात उनसे वजन में ज़्यादा ही होगी अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए वालेकुम